बेवकूफ। हाँ बेवकूफ। छोड़ो मजाक मत करो, तुम्हें बस जलन हो रही है क्योंकि मैं सबको जानती हूँ। इसमें जलने वाली क्या बात है। हाँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। क्या क्या तुम बेवकूफ किसे कह रही हो? कौन बेवकूफ? ये लो। मेरा मतलब कैसे तुम ठीक हो? तुम्हारी बेवकूफ बुक्स मेरा दिमाग खराब करती है। देख लो मैंने कहा था ना कि तुम बेवकूफ हो। मैं मदद करूंगी। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलवाया है मिस्टर नेट। इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आपको एहसास भी है कि कितना सीरियस इंसिडेंट हो चुका है और हम एक रिपीटेड स्कूल है, इसलिए हमें एक्शन तो इस बारे में लेना ही होगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, इवा जैसे ही घर पे पहुंचेगी उसके पिछवाड़े पे एक लात पड़ेगी। बिल्कुल भी नहीं, हमने फुटेज चेक की थी, उससे साफ पता चलता है कि वो एक एक्सीडेंट था। तो आपने मुझे बुलाया है क्यों है? इवा की तारीफ के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है। हम आखिर क्यों, आखिर किस खुशी में? आपकी सबसे छोटी बेटी को पूरी क्लास में सबसे अच्छे ग्रेड मिले हैं, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है आपकी बेटी। ओ, आपका शुक्रिया, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। मेरा सजेशन है क्यों ना टैलेंटेड इवा को एक क्लास प्रमोशन दे दिया जाए। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर क्यों मिस्टर ने? मिसेस क्रिस्टी, लगता है कि आपको भी लाज चाहिए। इवा हम लोग जा रहे हैं। क्या किसी ने नोटिस किया कि रूबिक क्यूब कैसे सॉल्व हो गया? प्लीज कमेंट करें। मिस्टर नेट, मिस्टर नेट प्लीज रुक जाइए, एक बार मेरी बात तो सुनिए। अपनी घटिया सी बकवास को अपने पास रखेंगी तो अच्छा रहेगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरी बच्ची को एक अच्छा बचपन ना मिले। आपको दिखता कैसे नहीं कि आपकी बेटी में एक स्पेशल टैलेंट है? आपको उसे एक मौका देना होगा। आपको मना कर दिया ना। देखिए जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, एक बार इवा की माँ से पूछ लीजिए, क्या पता उन्हें ये सही लगे। इवा की माँ की पहले ही एक कार एक्सीडेंट में बचपन में ही मौत हो गई थी। मिसेस क्रिस्टी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। आगे से मुझे मत बुलाना, गुड बाय। सुनिए दो, लेकिन मैं फिर भी इस बारे में जरूर कुछ सोचूंगी। ए, तुम दोनों, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बहुत ही बुरा हुआ है। सुना कैसी? पापा मेरी मुझे बात कैसी सुनो। बकवास नहीं सुननी है, अब से तुम दोनों मुसीबत में आ चुकी हो। लेकिन मैंने क्या किया? क्योंकि तुम दोनों बहुत ही छोटी हो, समझी मेरी बात, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो क्या? एक तो तुम्हारे कोई दोस्त तक नहीं है, और ऊपर से अच्छी बच्ची बनके बचपन क्यों नहीं बिताती हो तुम? तुम ही बताओ क्या बड़ा मांग लिया है मैंने? लेकिन पापा, बस अब एक और शब्द नहीं। और तुम्हें तो बस अपनी ही पड़ी होती है, अपने कपड़ों को छोड़ के किसी और की चिंता है तुम्हें? लेकिन मुझे ये पसंद है, ये मेरा पैशन है पापा। मुझे तुम्हारे बकवास सपनों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे भी कह रहा हूँ इवा, तुम्हें कैसे भी बेहतर बनना होगा। वैसे शब्द का प्रीफिक्स रूप, शब्द का रूट। क्या बकवास कर रही हो? रूपात्मक शब्दों का उनकी संरचना और उनके भागों के आधार पर एक विशेष भाषाई विश्लेषण है। अपनी बकवास अपने पास रखो। वाओ, अच्छी लग रही हो, कैसी? ओह थैंक्स, जो सबसे पहले मिला वही पहन लिया। सच में? हाँ, वैसे मैंने तुम्हें भड़ास निकालने के लिए बुलाया था। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। हे भगवान, मेरे लिए कॉकटेल ला सकती हो? बेशक बेशक, मैं सब सुनना चाहती हूँ, सब बताओ मुझे। ओह ये क्या है? ये मेरे टॉप से बिल्कुल मैच नहीं करता। ले जाओ इसे, कुछ और लेके आओ जल्दी। बकवास सर्विस, भयानक है ये तो, बहुत ही ज्यादा भयानक सर्विस है ये तो। ओह अब ये बेहतर है, देखो कितना अच्छा है। तो क्या हुआ था फिर? ओह हाँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। मेरे पापा वो मुझे समझ ही नहीं पाते। हाँ वो शायद नहीं समझेंगे। वो फैशन के लिए मेरे प्यार को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हाँ तुम्हें सच में फैशन पसंद है। वो कहते हैं कि मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और ये सब बिल्कुल भूल जाना चाहिए। हाँ तुम बिल्कुल चीजों पर ध्यान नहीं देती। अरे कैसी, आई मीन तुम्हें पता है। हेलो लेडीज, क्या चल रहा है? सॉरी बोलने आया हूँ मैं। हाँ तुम बीच में बोले। चुप रहो तुम।
तुम्हारे कातिल जवानी को नोटिस किए बिना रह नहीं पाया। हाय हाय तुम्हारे लटके झटके, क्या कभी मेरे साथ काम करने का सोचा है? मैं तुम्हारे लिए काम? हाँ, ये काम के लिए। चुप रहो तुम। हाँ हाँ, मैं एक फैशन क्रिटिक हूँ और तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगेगा मुझको यार। बिल्कुल, ये तो मेरा सपना सच होने जैसा है। लेकिन सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अगर तेरा मूड पलट जाए तो ये ले मेरा कार्ड, रख ले तू, कॉल कर लेना। तुमने मना क्यों किया? तुम्हारे लिए ये बड़ा मौका था। एरियल, तुम बहुत अनजान हो। मैं पूरी रात तुम्हें पापा के बारे में बताती रही हूँ। मैं उनकी वजह से ही इसके लिए हाँ नहीं कह सकती। ये बहुत प्यारा है। प्यारा? तुम मजाक कर रही हो क्या? चलो चले यहाँ से, मैं बिल्कुल पक चुकी हूँ। चलो चलते हैं। हेलो बच्चा लोग, देखो ये है ईवा, आज से तुम्हारी क्लास में ही बैठेगी। क्या, ये तो बच्ची है। ये तुमसे बस एक ग्रेड ही नीचे है, लेकिन मुझे यकीन है ये तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद ईवा को परेशान मत करना। चिंता मत करो मिस क्रिस्टी, मैं ध्यान रखूंगी। थैंक यू डियर। ठीक है तो फिर मैं जाती हूँ, ध्यान रखना, बाय। ईवा, तुम यहाँ किसी भी सीट पर बैठ सकती हो। ये लो ईवा, क्लास खत्म होने तक टेस्ट पूरा करो, अगर मदद चाहिए तो पूछ लेना। हूँ, हो गया। क्या? खत्म हो गया। क्या कह रही हो, पहले ही? हाँ, आसान था। उसने कहा आसान, मैं तो पहले ही क्वेश्चन पर अटका हूँ। यार पहला क्वेश्चन टीचर का नाम है। डबल चेक कर लो, देख लो कि क्या सब सही है। आप चेक कर लो मिस पीटी। अरे नहीं, यहाँ तो सब सही है। चौंकने जैसा क्या है? शाबाश शिवा। ठीक है धोनी टायलर, तुम दोनों का क्या? ठीक है वही पुराना। बेल बज गई, तुम लोग जा सकते हो। ए, सुनो, मैं अपनी बेटी को लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो यहाँ आ रही है मिस्टर नेट, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। हाँ मैं सुन रहा हूँ। आपकी बेटी ने आज हाई स्कूल टेस्ट में टॉप किया है, उसकी उम्र के हिसाब से ये काफी बड़ी उपलब्धि है। क्या? लेकिन आखिर वो टेस्ट दे ही क्यों रही है? मैं प्रिंसिपल क्रिस्टी से बात करके आता हूँ, इस बार तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस बार या तो आर या फिर पार। तो फिर आप इसे देखिए। और आखिर ये तो मुझे क्यों दिखा रही है? ये नॉलेज कॉन्टेस्ट है और मुझे यकीन है आपकी बेटी 5000 प्राइस जीत सकती है। बिल्कुल भी नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्यों नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ईवा को बताना कि मैं कार में इंतजार कर रहा हूँ। ये बहुत बुरा है, बहुत ही जिद्दी है। कौन, टायलर? हाँ मैंने उसका टेस्ट रिपोर्ट देखा है, वो बहुत ही बुरा है। नहीं मिस्टर नेट। क्या तुमने उससे ट्राइविया कॉन्टेस्ट के बारे में बात की? हाँ, और उसने मना कर दिया। ऐसा कैसे? मैं तो इस बात को बिल्कुल समझ ही नहीं सकती, वो अपनी बेटी को पंख क्यों नहीं फैलाने दे रहे। नहीं नहीं, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, ईवा में पोटेंशियल है, हमें कुछ करना ही होगा। हमें उसे उस पर गर्व कराना होगा। क्या तुम भी वही सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ? पिज्जा भी ऑर्डर करना चाहती है मिसेस क्रिस्टी। अच्छा ठीक है फिर, आ जाओ बैठो। लगता है मुझे अब फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। अरे अब ये क्या, अरे ये डायरी तो लड़कियों की माँ की है। मैं 14 साल की थी, माँ ने मुझे पूरी रात के लिए पढ़ने के लिए कहा। मुझे बड़ी ही मुश्किल से जैसे तैसे 4 घंटे का सोने के लिए मौका मिलता था। यहाँ तक कि मैं सिलेबस में पूरे 5 साल आगे चल रही हूँ। मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। मैं 25 साल की हूँ। मैं अब एक औरत बन चुकी हूँ, लेकिन मेरी माँ अभी भी मेरी लाइफ मैनेज करती है। मैं और नहीं जी सकती। कितना बुरा सपना है, पढ़ाई ने मेरी बीवी की पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी और अब ये पागल स्कूल वाले मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अरे नहीं, इससे पहले कि वो लड़कियां मुझे इस हालत में देख ले, मुझे इससे पहले शांत होना पड़ेगा। बेवकूफ। ध्यान दो, सुनो बच्चों, ईवा से मिलो, वो आज हमारे साथ है। प्लीज बैठो ईवा।
यहाँ क्यों आई हो मुझे शर्मिंदा करने के लिए? तुम्हें शर्मिंदा नहीं, ये तो तुम खुद कर लेती हो। हाँ, तुम बिल्कुल चीजों पर ध्यान नहीं देती। अरे कैसी, आई मीन तुम्हें पता है। ऐसा है, ये प्यारी लड़की यहाँ पर तुम सबसे ज्यादा जानती है ना ईवा? अब उसे इस उम्र में पता ही क्या हो सकता है। ईवा, क्या तुम हमें दिखाना चाहोगी? यहाँ देखो, मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है। क्लास को बताओ मैंने ये कैसे किया। लेकिन कम ऑन ईवा, तुम ये कर लोगी। सॉरी, नहीं कर सकती। बेवकूफ। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ। ईवा, ये अच्छा है, तुम्हारा दिमाग अच्छा है, अगली बार तुम कर लोगी। क्या कह रही हो, कितनी बड़ी बात है, ये एकदम मजाक है और सच कहूँ तो बेवकूफी भी है। क्या है ये, बहुत ही शर्मनाक है, मैं तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं देखना चाहती। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें पता भी है इन जूतों की कीमत क्या है और ये पेडिक्योर? हाँ, सॉरी केसी, गलती से हो गया। मेरा दिमाग खराब कर दिया बेवकूफ कहीं की। सीरियसली, ये मूर्खता यहाँ फैला के क्यों रखी है? ये मूर्खता नहीं है, ये तो देखो मैथ्स है। मैंने वही कहा, और तुम मुझे मत सिखाओ। तुम सबसे बुरी, भद्दी, मूर्ख और रुक क्यों गई, बोलो ना आगे। ओह मिसेस क्रिस्टी, आप बहुत अच्छी लग रही हो और ये टॉप तो बहुत ही सुंदर है, आप पे जच रहा है। ऐसा कबाड़ी खाने में देखा था। तुम फिर से स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाने लगी कैसी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस मदद कर रही थी, है ना किटी? मैं वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुकी हूँ, कल अपने पापा को स्कूल में लेकर आना। क्या हुआ है मिसेस पिट्टी? हम शायद गलत थे। क्या क्या वो नहीं कर पाई? नहीं। ईवा घबराओ मत, ये चीजें होती हैं, स्पेशली इस ग्रेजुएशन प्रोग्राम के साथ, और वो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो गलत है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो गलत है। गलत कैसे, और तुमने ये बात क्लास में क्यों नहीं बोली? मैं मिसेस बेटी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। क्या तुम्हें पता है इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इसे ऐसा क्या जाना था? लेकिन ईवा, तुमने खुद को क्लास में शर्मिंदा क्यों होने दिया? मुझे पहले से ही इसका सलूशन पता था, लेकिन अगर मैं बोल देती कि आप गलत हो तो बच्चों को ये हमेशा याद रहता और फिर आपकी रेपुटेशन भी खराब हो जाती। ईवा, तुम कितनी स्वीट हो, काश तुम्हारी बहन भी तुम्हारे जैसी होती। तुम्हारी बहन की तो बात करनी होगी, मिलती हूँ बाद में। तुम बहुत अच्छी हो ईवा। मिस क्रिस्टी, मिस्टर नेट, गुड मॉर्निंग। वो यहाँ पर कुछ टुकड़े पड़े होते, आपने देखा क्या इन्हें? मिस्टर नेट, मैंने इसे आपको तोड़ते हुए भी देखा है। इसके लिए माफी चाहता हूँ। वैसे इस बार आपने मुझे किस लिए बुलाया है ये बताएंगे आप? प्लीज बैठ जाइए। मिस्टर नेट, आपकी दो बेटियाँ हैं, इसलिए हमारे पास आपके लिए एक खबर अच्छी और एक बुरी। आप पहले कौन सी सुनना चाहेंगे? कैसे शुरू करते हैं? बुरी खबर से। आजकल केसी अपनी क्लासमेट्स को बहुत धमका रही है। इसमें बुराई क्या है? इसके अलावा ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रही है, होमवर्क पूरा नहीं कर रही है और टीचरों के साथ बदतमीजी कर रही है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मिस क्रिस्टी, इसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं घर पे उन लड़कियों से बात करूँगा। मैं उम्मीद करती हूँ। इसके अलावा अच्छी खबर क्या है? हाँ, अच्छी खबर ये, अब आखिर इसका फोटो यहाँ पर क्यों है? ये भी आपकी बेटी है, आपने पहचाना नहीं? वो तो मुझे भी दिख रहा है ये मेरी बेटी है, मगर ये बताइए कि इसका फोटो अखबार में क्यों है? अरे दुनिया को इस टैलेंट के बारे में जानना चाहिए, क्या आपको अपनी बेटी पर गर्व नहीं होता?
अरे घंटा प्राउड, ये सब बकवास है, उन्होंने छापा ही क्यों है? इन लोगों की अकल घास चढ़ने गई है, कुछ भी छाप देते हैं साला। लेकिन क्यों आप इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं? आपकी बेटी का फ्यूचर ब्राइट है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बच्ची को बच्ची बने रहने दो। आप क्यों उसका फोटो छपवा के एहसान कर रही हैं? लेकिन आप भी जानते हैं कि वो एक साधारण बच्ची नहीं है। अरे मैं तो बस उसका बचपन बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम लोग भाड़ में जाओ। कम से कम उसे ट्रिविया में तो रहने दीजिए। उसे तो घर पे जाके देखता हूँ, मगर कैसे अगली बार बीच में ही तो अच्छा नहीं होगा। पापा आप यहाँ हो? देखो बहुत सारे फैशन क्रिटिक्स मुझे कॉलिप के लिए इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर रहे हैं। और आज मैंने एक टफ प्रॉब्लम भी सुलझा ली। स्कूल में सब मेरे आउटफिट्स पसंद करते हैं। पैदाइशी स्टाइलिस्ट होना? मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता, अपने कमरे में जाओ अभी। लेकिन पापा सुनो, मैं इसमें सच में अच्छी हूँ, ये मेरा शौक है। मैं अभी तुम्हारे स्कूल से आ रहा हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बकवास देखी है वहाँ पर। मिसेस क्रिस्टी ने मुझे सब कुछ बताया है तुम्हारे बारे में। मैं जानता हूँ जो तुमने गंदी हरकतें की। क्या उन्होंने आपको मेरे काम के बारे में बताया? वो भी टीचर से भी बेहतर। ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, तो मुझे वहाँ पर ये सब दिखाया जो बवाल किया है तुमने। सही कहा, इतने सारे लोग देखेंगे ये भयानक सा लुक। वो बात नहीं है ईवा, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि पढ़ाई आराम से करो, लेकिन तुम धुआंधार करती रहती हो। लेकिन मैं एंजॉय करती हूं। समझ नहीं आता, जब मैं बात कर रहा हूं तो तुम्हें नहीं बोलना है। लेकिन आप, तुम्हें लाफा पड़ेगा समझी? बहुत हो गया चिल्लाना, मैं और नहीं सह सकती। बस बहुत बकवास कर ली तुमने, मैंने अभी बात खत्म नहीं की है और होगी भी नहीं। गुस्सा काफी हितों के लिए खतरनाक है और इसके रिजल्ट में भी बहुत ज्यादा खतरा है, तो मैं इससे बाहर हूँ पापा। ये बेइज्जती है, बिल्कुल घिनौना और भयानक, बहुत भयानक। 1490 अगली उंगली। ये बुरे सपने जैसा है, पापा हमें बिल्कुल नहीं समझते, उनके साथ रहना जैसे अत्याचार है। सच में फिलोसोफर प्लेटो और अरस्तु ने तानाशाह का वर्णन कैसे इंसान के रूप में किया है जो बिना कानून के हुक्म चलाता है, कठोर और निर्दयी। ओहो, मुद्दे पर आओ। हाँ ठीक है, वो तानाशाह नहीं है, वो एक ड्रामा क्वीन और मूर्ख है। हाँ वो एक ड्रामा क्वीन है और मूर्ख भी, पागल कहीं की। ओ देखो मुझे कुछ मिला। अजीब है, इसे पहले घर पे नहीं देखा, ये मेरी नहीं है। जाहिर है तुम्हारी नहीं है, नोटबुक तुम्हारी कैसी होगी, ये मेकअप बैग नहीं है। हाँ, देखो अंदर क्या है। ये तो माँ की डायरी है। इसे पढ़ते हैं। नहीं हम ये नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। ईवा, उन्हें वैसे भी पता नहीं चलेगा और मुझे उनकी बहुत याद आती है, इस डायरी का कम से कम उनसे कोई कनेक्शन है। ठीक है पढ़ते हैं। आज मुझे दो, तुम इसे सुबह तक पढ़ पाओगी। ठीक है, आज मैंने 3 ग्रेड छोड़ दिए, माँ ने मुझे डांटा। आज मैंने फिर 5 बजे तक पढ़ाई की। मैं एक और सेमिनार से घर आ रही हूँ, उदास हूँ, मैं नहीं संभाल सकती। क्या बुरा सपना है, लगता है जैसे हम मूर्ख हैं। तो इसीलिए पापा नहीं चाहते कि तुम इतना पढ़ो, उन्हें डर है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। उन्होंने ये बात हमसे छुपा कर रखी, मुझे शर्म आ रही है। ओ ईवा, मुझे भी तुम्हारे लिए शर्म आती है। अरे तुम भी बेहतर नहीं हो, तुमने ज्यादा पढ़ाई नहीं की लेकिन फिर भी तुम उन्हें परेशान करती हो। हाँ, सही है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ वो इतने सालों बाद राहत महसूस करने के बिल्कुल हकदार हैं। तो अब मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या? वो कहाँ है, कहीं मिल क्यों नहीं रही? टाइम पर आ गई। आ गई तुम? ये लो, ये वो सारा होमवर्क है जो तुम सालों तक टालती रही हो। अरे नहीं, तुमने ये सब एक ही रात में कैसे कर लिया? एक रात? मैंने ये सब स्कूल जाते टाइम किया है। इम्प्रेसिव। जल्दी करो, मिसेस बेटी कभी भी यहाँ आती होंगी। थैंक्स ईवा। और वैसे क्या? ईवा, मेरे बुरे बर्ताव के लिए सॉरी, शायद मैं तुम्हारी स्मार्टनेस से जलती थी। मुझे माफ कर दो, मुझे बस वो जलन थी,
तुम्हें पता है। हाँ पता है, मैं शानदार हूँ। जल्दी जाओ। हाय, हे ईवा, मेरे पास तुम्हारे लिए सीनियर्स के बहुत सारे टेस्ट हैं। तुम्हारे साथी ने निपटाने का सोचा है। नहीं मिसेस बेटी। क्या सारे अकेले ही निपटा लोगी? हाँ, मैं जानती थी तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्या कह रही हो, क्यों नहीं? सोच रही थी, मैंने फैसला किया है, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैं अपनी स्पीड से बढ़ना चाहती हूँ मिसेस बेटी। क्या ये पक्का है? जैसे मार्टिन लूथर ने कहा है कि हमें टाइम क्रिएटिवली यूज करना चाहिए, और हमेशा याद रखो कि सही काम के लिए टाइम हमेशा सही होता है। खैर, आप तो जानती ही होंगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। तो ये मेरा फाइनल डिसीजन है मिसेस बेटी। इस केस में मैं तुम्हारे डिसीजन का सम्मान करती हूँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें अभी भी पढ़ाई करनी है। ये लो। हो गया। तो बताओ लड़कियों, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक है पापा, अभी एक टेस्ट टॉप किया। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है केसी, तुमने कमाल कर दिया, मैं बस यही तो चाहता था। काश मैं खुद भी ऐसा चाहती पापा। और अब तुम्हारा क्या चल रहा है ईवा? मैं बता रहा हूँ, कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। हाँ पापा, सब ठीक है। तो फिर बताओ मुझे, तुम्हें इस बार क्या ग्रेड मिला है? मेरे पापा हमेशा की तरह लो। अब ये हुई ना कुछ बात, तुम दोनों ने तो आज मेरा दिन ही बना दिया है। हाँ पापा, अब से हमने तय किया है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। हमें एहसास हो गया हम भटक गए थे, इसके लिए सॉरी। अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुशी है कि तुम दोनों बदल रही हो, मुझे पता था तुम दोनों कर सकती हो। हाँ पापा, मेरे पास एक बड़ा ही कमाल का आइडिया है, चलो अब आइसक्रीम खाते हैं, बहुत टाइम से हमने खाया नहीं ना। लास्ट टाइम माँ हमारे साथ थी। हाँ, वो हमेशा एप्रिकॉट जैम के साथ चॉकलेट खाती थी। मैं उन्हें मिस करती हूँ। मैं भी उसे मिस करता हूँ, लेकिन जिंदगी में आगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, चलो अब चलते हैं। हालांकि फील नहीं हो रहा। हाँ, मूड भी नहीं है। हमें घर भी भेज सकते हैं। तुम दोनों को हो क्या गया है? अभी तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एक साथ। फिर कभी पापा। और वैसे भी मैं डाइट पे हूँ। मगर हमारे सेलिब्रेशन का क्या? अब आखिर इसमें क्या है? अब दोबारा से एक और क्विज दे दिया। ईवा, ये सब चल क्या रहा है? तुम मुझे पागल कर दोगी। फिर से चिल्लाना क्यों? क्या आप जानते नहीं, रूड होना आपके नर्वस सिस्टम को खराब करता है, दिल का दौरा भी पड़ सकता है और मोटापे का कारण भी बन सकता है। ईवा प्लीज मुझे बख्श दो, अब आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुम दोबारा से उस बकवास में लग गई? नहीं, मिसेस क्रिस्टी ने ये मुझे एक हफ्ते पहले दिया था और मैंने मना कर दिया था। मुझसे झूठ मत बोलो, ये सच है। अब तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या तुम भी मुझसे छुपकर ये सब बकवास कर रही हो? नहीं पापा, सच में हमने सब बंद कर दिया। तुम लोग इतनी जल्दी आखिर बदल कैसे गयी? क्योंकि हम सब जानते हैं। चुप करो केसी। नहीं, मैं सब बोल दूंगी ताकि फाइनली आप समझो। हमें मॉम की डायरी मिली। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? उसके पास कोई डायरी नहीं थी। पापा नाटक बंद करो, हमें लिविंग रूम में सोफे के नीचे मिली और हमने पूरी पढ़ी। अरे यार, ये क्या गड़बड़ हो गई, मुझे उसे वहाँ पर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। पापा, हम जानते हैं कि माँ की मौत स्ट्रेस से हुई। हम जानते हैं नानी ने उन्हें पढ़ाया और उसके लिए टॉर्चर किया। हाँ, अब मुझे समझ आया कि आप मेरी पढ़ाई के इतने खिलाफ क्यों हो। बिल्कुल सही कहा, अब तुम्हें समझ आया ना मैं ये सब तुम्हारे लिए क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम भी इसकी तरह बनो। लेकिन जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं खुश होती हूँ, समझो। मैं समझा नहीं। मुझे कभी खुद के साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, मैं सच में इसे बहुत एंजॉय करती हूँ। मगर समझ नहीं आता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे आप हमेशा से मुझ पर इतना चिल्लाते थे कि मैं ये आपको कैसे बोलती। हाँ मैं भी इसमें शामिल हूँ। शांत रहोगी तो क्या तुम्हें इन सब से कोई परेशानी तो नहीं होती? बिल्कुल नहीं, मुझे इसे बहुत प्यार है। मैं एक नंबर का गधा था, मुझे माफ कर दो ईवा। नहीं, अब कोई चिंता नहीं, मेरे ग्रेड कम हो गए और ट्रिविया कल है। मगर आज नहीं, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम्हें जाके तैयारी करनी चाहिए। आपको मुझ पर डाउट है? ठीक है, तो फिर अब आखिरी सवाल, क्या आएगा जब हम 3686 में प्लस करेंगे 4182?
7628। बहुत बढ़िया। मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है सच में ईवा। थैंक्स पापा। तुम ऐसे क्यों कांप रही हो सर्दी? ये लो मेरी जैकेट ले लो, ये प्राडा है। सच में? हाँ असली डील प्राडा। तो विनर कौन होगा? समय आ चुका है। ओ ये कौन होने वाला है? मैं इतनी मूर्ख हूँ स्कोर देखना तो भूल ही गई। अब आप अनाउंस करोगी या नहीं? बड़बड़ाने से क्या होगा? ठीक है ये भी लगता है पर ये भी सही है। उनके पास सुंदर जैकेट है, उसे विनर बनाते हैं। लेकिन किसी ना किसी को विनर तो बनाना पड़ेगा। तो आज की विनर है ईवा। ये रहा तुम्हारा $5,000 का चेक जीतने की बधाई। थैंक यू। अरे आप तो बहुत ही बढ़िया जज हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ थैंक्स थैंक्स। तुम पर बहुत गर्व है बहन, उम्मीद है तुम्हें याद होगा तुम्हारी कितनी अच्छी बहन है। पता है लेकिन याद नहीं है। यार मजाक कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक ट्रेंडी टॉप खरीदूंगी। और बाकी 3,000 एक नैनो मेगा सुपर अल्ट्रा मॉडर्न रोबोट पर। हाँ समझ गई, वही पुराना। हाँ बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ हाँ हेलो, मैं अभी फ्रांस से आया और उस प्यारी लड़की को देखा और वो शानदार जैकेट में खड़ी हुई है। जैकेट सचमुच शानदार है। ठीक है ये भी लगता है। मैं? हाँ बे भाड़वे सुन, वो अंडर एज है समझा, उससे पहले उसके बाप से बात करनी होगी। नहीं नहीं मैं उसे पेरिस में जॉब देना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं करना चाहता। क्या कहा एक जॉब? हाँ मैं फैशन डिजाइनर हूँ और ये लड़की शानदार दिखती है, मैं चाहता हूँ ये मेरे लिए डिजाइनर स्टाइलिस्ट के रूप में काम करे। चलो पापा अब ना कह दो और बस खत्म सब। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया? तो ये रही मेरी बेटी, तुम इससे मिल सकते हो। ओ पापा क्या आप मान गए? मैंने गलत सुना क्या? ईवा के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी बात सुनने की जरूरत है और तुम जो करना चाहती हो तुम वो कर सकती हो। क्या वाकई पापा मैं पेरिस जा सकती हूँ? मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे जैसी एज के लिए। ओ थैंक्स। तो क्या आप तैयार हो? मैं इस लड़की को जॉब दे सकता हूँ बढ़िया वाली? हाँ बिल्कुल आप इसे दे सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं है तो हम सभी एक साथ आ गए। तो फिर तुम अपनी आइसक्रीम चुन सकती हो। स्ट्रॉबेरी मेरे लिए और एक चॉकलेट प्लीज। मुझे चाहिए एप्रिकॉट जैम के साथ वेनिला फ्लेवर। ठीक है आपके $25 हुए। ₹25? क्या बकवास है, मैं अच्छे से जानता हूँ ये ₹5 की आया करती थी। टाइम बहुत जल्दी बदल गया। पापा आप ये रख लो। ये क्या? मगर तुम्हारे रोबोट का क्या होगा? मैं खुद रोबोट बना सकती हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। और ये भी आपके लिए। वो इतना पैसा आया कहाँ से? वो लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझसे कपड़े खरीदे थे, मैंने बताया नहीं, मुझे लगा आप नाराज हो जाएंगे। लड़की हो तुम दोनों बेस्ट हो, मुझे तुम पर गर्व है। और हम भी आपसे प्यार करते हैं पापा। हेलो हमारे शानदार सब्सक्राइबर्स, तो आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। हमें हमेशा की तरह कमेंट करें, हमें बताएं आप क्या सोचते हैं। वो जो लाइक बटन है ना उसे जाके तोड़ो फोड़ो जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता बस हो जाना चाहिए। क्या आपने उन दोनों बिल्कुल अलग बहनों का वीडियो देखा? बिल्कुल अलग वाइब्स, बिल्कुल अलग लुक, लेकिन किसी एक चीज ने उन दोनों को जोड़ के रखा हुआ था। दोनों सुपर टैलेंटेड मॉम की बेटियां हैं। हम जानते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स में बहुत 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 टैलेंटेड लोग हैं। हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत टैलेंटेड हैं। हम ये जानने के लिए मर रहे हैं कि आपके पास क्या टैलेंट है। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं आपके पास क्या स्पेशल स्किल्स हैं। हम सब सुनेंगे, आप स्कूल के बाद या स्कूल के बजाय क्या करते हैं बताएं हमें। और स्कूल नहीं छोड़ना है। आप लोग स्कूल में क्या करते हैं? अगर आप कुछ खास नहीं करते हैं तो जो करते हैं वो बता दीजिए हमें, और हो सकता है कि आपकी कोई हॉबीज हो। या अगर आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इसमें क्या परेशानी है हमें बताइए, आप इसे कैसे कर रहे हैं, अपनी ड्रीम हॉबी बताइए। और हाँ स्कूल की स्टोरीज को हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपकी स्टोरीज सुनने को बेताब हैं। और आप लोग अपने स्कूल के इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें, हम उन्हें सुनने के लिए बेताब हैं। और शायद हम अपना अगला वीडियो आप में से किसी एक को डेडिकेट करें।
हाँ बिल्कुल, शानदार हो सकता है या कुछ रुला देने वाली कहानी और हो। अपने स्कूल के टीचर्स के साथ हाँ, कोई शरारत कर रही होगी। सब बताओ, सब बताओ और जितना ज्यादा उतना ही अच्छा, और शायद उसमें से कोई स्टोरी हमें इंस्पायर कर दे। सच में ये धमाका होगा, उम्मीद है आप भी हमारी तरह बेताब होंगे। ओ हाँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। स्कोर करें और कमेंट करें। जल्दी जल्दी स्कोर कीजिए और कमेंट्स की बाढ़ ला दो। 3, 2, 1। थोड़ा और टाइम चाहिए। सच में? चलो 3 सेकंड और देते हैं। 3, 2, 1। उन्हें अब कमेंट कर देना चाहिए, काफी टाइम हो गया उनके लिए। 3, 4, 3, 2, 1। अब उन्होंने पक्का कमेंट कर दिया होगा और अब हम उन्हें चेक करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो हमारी और आपकी कड़ी मेहनत के बाद हम लोग अपना गियर बदल रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो चलो फिर बढ़ते हैं हमारे ब्लूवर्स में। तेरा नाम याद है? मौसम ने ली अंगड़ाई, दो गिज बात की है लड़ाई, तू चल मैं आया बेवकूफ। अरे वाह, तुम एक बहुत बढ़िया जज हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक्स। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारी बारी। ओ, मैं काम कर रहा हूँ और मेरा आर सचमुच में आ रहा है यार। थैंक यू। जन्मदिन की सबको बधाई हो।